आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। इनका सबसे पहले मतलब समझते हैं। ये वर्ड बने हैं मोनो, बाय, ट्राई और पॉली से, तो इनके मतलब अगर आपको पता होंगे तो याद रखने में आसानी होगी कि इनके कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल कहते हैं, कौन से को ट्राइनोमियल कहते हैं। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन। मोनो मीन्स वन, जैसे आपने सुना होगा मोनो एक्टिंग, ऐसी एक्टिंग जो अकेला ही बंदा हर कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, अकेले, वन। बाय मीन्स टू, बाय बाइनोकुलर्स, जिसमें दो लेंसेज होते हैं, ठीक है, तो बाय मीन्स होता है टू। ट्राई, थ्री, ट्राइंगल, इसमें ट्राई मीन्स थ्री, जैसे ट्राइंगल, तीन साइड्स, तीन एंगल्स। पॉलीनोमियल, पॉली मीन्स होता है मेनी, यानी काउंटिंग नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, मेनी, राइट। तो अब देखते हैं इनका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या मतलब है। तो मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब है ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो। अब टर्म क्या होती है वो पिछली वीडियो को आप एक बार देखना, उसमें मैंने सब समझाया है, फैक्टर्स, टर्म्स, आपके वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, कोएफिशिएंट्स किसको कहते हैं, तो वो देखने के बाद इसको देखना। तो टर्म एक ही है तो वो मोनोमियल, जैसे मैंने लिखा 3xy, ये एक ही टर्म है, या -8, ठीक है, ये भी एक ही टर्म है, तो एक टर्म, एक टर्म, ये दोनों मोनोमियल है। बाइनोमियल मतलब दोनों, दो टर्म्स हो, बाय मीन्स टू, तो दो टर्म्स, तो 3xy माइनस 8 अगर मैं एक साथ लिख दूं, ये मेरा बाइनोमियल है, ठीक है, ये एक टर्म है इसमें और ये दूसरी टर्म है। ऐसे ही 4x² माइनस 5, दिस इज ऑल्सो अ बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होंगी, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, जैसे 3xy माइनस 4x² प्लस 8, सो ये एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, डजेंट मैटर कि वो कांस्टेंट है, डजेंट मैटर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टर्म होनी चाहिए। तीन टर्म्स ट्राइनोमियल, दो टर्म्स बाइनोमियल, एक टर्म मोनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स दो से ज्यादा, जिसमें भी दो से ज्यादा टर्म्स होती हैं उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे 4x² माइनस 8x प्लस 7y प्लस 3, ठीक है, तो ये चार टर्म्स हैं, पांच भी हो सकती हैं, छह भी हो सकती हैं, इसको कहते हैं पॉलिनोमियल।